हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, सबको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आई टी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी आई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं आई टी पास आउट छात्रों के लिए CSIR की तरफ से फाइनली काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आ गई हैं। CSIR केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान की तरफ से प्रेशर भर्ती हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, परमानेंट सरकारी भर्ती हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चेक कर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस, देखिएगा CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस टेक्निकल पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस फॉर्म जो आपके शुरू होने वाले हैं, ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन जो है वो 23/10/2024 से लेकर के 6/12/2024 तक, यानी कि दिसंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। देख लीजिएगा कितना समय है आप लोगों के पास फॉर्म फिल करने के लिए, और फॉर्म की हार्ड कॉपी भी आप लोगों को सेंड करनी होगी, इसकी रिसिप्ट जो कि आपको 18/12/2024 तक आप सेंड कर सकते हैं। चलते हैं सीधे पोस्ट पर। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो है उसमें टोटल 9 पोस्टें हैं। अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई हैं। लेवल 6 की सैलरी आपको इसमें मिलेगी। टेक्नीशियन 1 के लिए जो ITI छात्रों के लिए भर्ती हैं, इसमें टोटल 28 पोस्टें हैं, जिसमें UR की 10, EWS की 2, OBC की 9, SC की 3, UR की 1, UR HH की 1, UR MD की 1, UR ASM की 2 पोस्टें हैं। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। टोटल 31,840 रुपया अप्रॉक्स आपकी पर मंथ सैलरी बन जाएगी। अपर एज लिमिट 28 साल इसमें भी रखी गई हैं। बात करते हैं सीधे ITI की पोस्टों की, तो देखिएगा सबसे पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर T1 की पोस्ट हैं, जो कि इसका पोस्ट कोड है। टोटल 3 पोस्टें हैं टेक्नीशियन 1 की। अपर एज लिमिट 28 साल हैं UR and EWS के लिए, 31 साल OBC के लिए हैं। वैकेंसी हैं 10+ ITI पास आउट छात्रों के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10th में आपके पास 55% मार्क्स के साथ आप पास होना चाहिए, याद रखिएगा 10th आपकी जो है 55% के साथ पास आउट आप लोग होना चाहिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट हैं T02 की, जिसमें 10+ ITI सिविल ड्राफ्टमैन ट्रेड से मांगी गई हैं। ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 2 ट्रेड से ITI होती हैं, जिनके पास ड्राफ्टमैन सिविल से ITI हैं वो छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट हैं TE3 की, जो कि टेक्नीशियन 1 के लिए ही हैं। 10+ ITI फिटर ट्रेड से मांगा है, 2 पोस्टें हैं। 10th में आपके पास 55% के साथ आप लोग पास आउट होना चाहिए, 10th आपका 55% के साथ पास आउट होना चाहिए, और ITI में ट्रेड आपके पास फिटर होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट हैं TE4 की, जो कि 2 पोस्टें हैं टेक्नीशियन 1 के लिए, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। जिन छात्रों ने ITI मशीनिस्ट ट्रेड से की है उनके लिए 10+ ITI मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए, और 10th में 55% होना चाहिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। TE5 की पोस्ट हैं, जिसमें 2 पोस्टें हैं, यहाँ पर ट्रेड जो मांगी हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए हैं, 10th में 55% के साथ पास आउट, और ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट हैं LACP के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती हैं ITI पास आउट छात्रों के लिए, उसके लिए इस पोस्ट के लिए LACP ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट हैं पेंटर ट्रेड के लिए, जिन छात्रों ने 10+ ITI पेंटर ट्रेड से की हुई हैं वो छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद पोस्ट हैं टेक्नीशियन 1 की ग्लास ब्लोवर ट्रेड के लिए, जिन छात्रों ने ITI ग्लास ब्लोवर से की हैं। अब पोस्ट आ जाती हैं कारपेंटर की, एक पोस्ट है OBC ट्रेड की, OBC कैटेगरी के लिए कारपेंटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। इसके बाद 2 पोस्ट हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC ट्रेड के लिए, जिन छात्रों ने 10+ ITI RAC ट्रेड से की है और 10th में 55% के साथ पास आउट हैं, एलिजिबल हैं। टर्नर ट्रेड के लिए एक पोस्ट है 10+ ITI मांगा है। इसके बाद वेल्डर ट्रेड के लिए भी एक पोस्ट है 10+ ITI आप लोगों से मांगा गया है। ITI कोपा के लिए 4 पोस्ट हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, टोटल 4 पोस्टें हैं, 10+ ITI आप लोगों से मांगा है, आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए भी एक पोस्ट है। इसके बाद डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड के लिए एक पोस्ट है। ये सारी ट्रेड ITI की हैं। फूड प्रोसेसिंग कैटरिंग के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद 2 पोस्टें आ जाती हैं मोटर मैकेनिक ट्रेड के लिए, जिन छात्रों ने 10+ ITI मैकेनिक मोटर ट्रेड से
पास आउट की हुई हैं। एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको जाना होगा CSIRCCRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिनांक 23/10/2024 से 6/12/2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग लगने वाली हैं। फॉर्म को पूरा भरने के बाद, फीस पेड करने के बाद, आप लोगों को इस फॉर्म को द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन प्रिंटआउट जो आप लोगों का निकलेगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ अपना सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ई रिसिप्ट ट्रांजेक्शन, जो आपने पेमेंट किया है उसकी ट्रांजेक्शन स्लिप के साथ, इन सभी को अटेस्टेड करने के बाद आप लोगों को भेज देना है। और उसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। पोस्ट कोड जो मैं आपको बता रहा था अभी T01T02, वो फिल करना है। इसके बाद इसको भेज देना है द एडमिनिस्ट्रेट ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, काराकुडी में ये प्लांट है, जहाँ का पिन है 63003, तमिलनाडु में। आप लोगों को 18/12/2024 से पहले पहुँच जाना चाहिए, याद रखिएगा। ये थी पूरी डिटेल, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। और ये हैं सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि ट्रेड एंड स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा, उसके बारे में भी। पेपर 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन टोटल होंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25, इंग्लिश के 25, और कंसर्न सब्जेक्ट जो आपकी ट्रेड है उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, अलग अलग सब कुछ दिया हुआ है। पूरा फॉर्म, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, या फिर इसकी जो CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 27 पेज का नोटिफिकेशन है, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपके समझ में नहीं आई है, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं आप लोगों का कर दूंगा। फॉर्म भरने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताना। एक बार फिर से डेट बता दूँ, फॉर्म शुरू हो रहे हैं 23/10/2024 से, और फॉर्म चलेंगे 6/12/2024 तक, दिसंबर तक। और आपको फीस की जो रिसिप्ट है प्रिंट आउट के साथ, सब कुछ सारी चीज़ें सेंड करनी है, अपनी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट ही चल जाएगी। ये 18/12/2024 से पहले पहले हार्ड कॉपीज की सेंड करनी होगी। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर करना, अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं जल्दी एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।